बन चुका था 48 घंटे के लिए बारिश रुकने वाला और उससे थोड़ा सा पहुंचा पांडे की बात और एक वहां पर कोटरा क्षेत्र के आरएस के नीचे और दूसरे प्रयास में तो समझ लिया गया तो छठा घटा बना है विस्तार को महायज्ञ बहुत सफलतापूर्वक आदि को बढ़ रहा है जिससे की और आप लगी है प्रतिमास पर सीधी लेकिन देखना कितनी गंभीर चोट है। यहाँ गेंद हेलमेट के अंदर गई वहां पर उसके जॉ पे टकराई। कहना होगा कि जो फिजियोथेरेपी क्रिकेट को भद्रजनों का खेल कहा जाता है क्रिकेट इज अ गेम ऑफ जेंटलमैन। बिल्कुल सही बात आपने कहा कि यद्यपि प्रतिस्पर्धी है मैदान पे फिर भी क्षेत्र रक्षक तुरंत उस बल्लेबाज की मदद के लिए वहां पहुंचे। लोकल एनेस्थिया की शायद जरूरत नहीं है स्प्रे ले जाने की अब कोई आवश्यकता वहां थे नहीं है नहीं बल्लेबाज फिर से तैयार अगली गेम का सामना करने के लिए। अगली गेंद और इस समय खूबसूरत शॉट के लिए बाउंड्री के बाहर हो गए बेहतरीन स्ट्रोक और पिछली गेंद पर चोट लगी थी उसके बाद मुझे लगता है जो कंसंट्रेशन का लेवल है वो और बढ़ जाता है और आदमी की प्रतिस्पर्धा मैं कह सकता हूँ ये ईंट का जवाब पत्थर से देगा जी। 87 रन 8.7 रन प्रति ओवर की औसत से रन बन रहे हैं। लोग विजन से सीधा नजर रखी और इसमें ऐसे कैजुअल Also waiting for umpire signal. Yes, it is hit wicket. So G1, this is the loss of 7 wicket for Leinster Chopotia and the score is 91 over number 11th in progress. So very clever captainship by Sehrawat. He is not an aggressive person. He is very cool and calm person. We know that he has great list of fast bowlers but after watching the pitch deeply तो मैं यहाँ के सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जब हमने खेलना शुरू करा था इनको देख कर करा था और गजेंद्र किरोला अभी भी वो आदर्श है सबके लिए 54 वर्षीय है इस समय खेल रहे हैं मैदान के बीचों बीच and this is another beautiful drive high and hard no chance to any fielders and no chance for the spectators as well final I think in guessing so again beautiful drive outside of this time for 6 more runs and 100 completed right now for Chopotia 105 runs hai 11 overs ki samapti par this trophy of and this time drive high and hard fielder getting under it interesting to see what happened but the fielding of this side is very strong yesterday they look scheduled sometime but push Sivan once again just like guessing from the center again Mahendra is playing very sensibly to third man Vijay the third man the KGO from the third man Vijay finally definitely would be different once again Sivan right now compelled batsman to play back foot a chance of run throw has been directed on target and the story now is different the batsman Mahendra is on last over my senior commentator Mr. JP Dhondal sir aapka kya kehna hai gajan kirola chuke ba aur khush ho raha hai lekin ek baar phir se haath chuti chhetra chinke chhere no ke liye boundary ke bahar pratikta dete hain sirav अगली गेंद और स्टंप के बाहर इस समय बेहतर गेंद कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं क्योंकि क्रिकेट टूर्नामेंट के रूप में यहां पे आयोजित है और हाथ उस तक चले गए थे उस गेंद को फॉलो करते हुए लेकिन ओवर समाप्त हुआ तो इस तरह से अब अंतिम ओवर अंतिम जोड़ी मैदान पर है। यहाँ पर मैथुली जो विद्यालय है हाईस्कूल उसका नाम उनके दादा के नाम पी आई पी स्टैंड में सारे क्रिकेट प्रेमी इस समय इस बहुत ही बेहतरीन मुकाबले में लुफ्त ले रहे हैं और खिली हुई धूप में ये इससे बढ़िया बेहतर टीम का स्कोर पहुंचा है 131 पर पूर्ण हो सकते हैं बाद में अगली गेंद और कैसे टकराई एफएल रियल बीडब्ल्यू की वहां पर
आराम से भाई कोई नहीं सम्मान उसका कैमरामैन का सम्मान करते हुए काफी अच्छा लगा। इस मैदान पर गेंद को छका के बाउंड्री के बाहर गई तथा क्षेत्र रक्षण में काफी अच्छा होता उनका प्रयास स्टंप के बाहर फिर से गेंद लेने गई थी तो लगा अच्छा प्रयास जानते और अंतिम गेंद पर क्या उनको करना है सारी टीम आउट होकर वापस पवेलियन में अंतिम गेंद तो ये कहना होगा कि मैथुली का बस पवेलियन भेजा और उनकी तरफ से कानूनी सलाहकार या श्री संदीप पंत वो हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और आगे का जो आपको देखा हाल है और हमारे मुख्य अतिथि के सम्मान और दीक्षा हेलो और हम लोगों के साथ जीत के आइयो समस्त जितने भी हमारे श्रोतागण हैं दर्शकगण हैं उनको मैं दो शब्द बोलना चाहूंगा कि आप सभी के सहयोग से जो हमें ये ऊर्जा मिली है इस टूर्नामेंट को आज यहाँ पर हमारा अंतिम दौर पर सेमीफाइनल तक आपने पहुंचाया आशा करता हूँ कि आपको आपका हमारे संघनाथ ग्रुप को ऐसे ही सहयोग मिलता रहेगा और टीम है उन टीमों को भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। गेंदबाजी के लिए तैयार मनोज और जो गेंद इसे खेलते हो कुछ भी गेंद से नहीं खेलने के लिए को छोड़ते हुए हालांकि इसे कट करना चाह रहे थे गली के क्षेत्र में लेकिन सफल नहीं हो पाए मुझे लगता है कि ये काफी रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है और जिस तरह से चपोटिया एक संतुलित टीम है और वो स्थानीय उनके क्रिकेटर हैं उनके बीच तालमेल काफी बेहतर है वहीं दूसरी ओर हरियाणा के पास क्षमताएं हैं कि उनका एक भी प्लेयर अपने तरीके से मैच को ले जा सकता है लेकिन दर्शक चाहते हैं कि वो सेमीफाइनल बहुत ही मजेदार हो और अच्छी वापसी कराई है मनोज ने इस मैच में कुछ भी हो सकता है अकेले कम तो सुना कर जा सकता है लेकिन क्रिकेट में अनिश्चितताओं का गेम कहा जाता है ये तो आने वाला बढ़िया बढ़िया आज उस प्रकार की तारीख नहीं होगी सर आप राइट आर्म और रेस्ट मनोज गेंदबाजी के लिए तैयार और ये गेंद से आउट से कट करने वाला डिफेंडर मौजूद है रन की गेंदबाजी फिलहाल पहले ओवर की समाप्ति पहले ओवर में एक विकेट के नुकसान था सुनील जैसा कि आपने बताया था कि हमारे गजेंद्र चुरलगी ने महेंद्र बहुत बड़ी मछली फंसाई है 11 स्टार चौकिया ने और किसने सफल होता है मतलब साफ है कि आपको बड़े नाम नहीं बल्कि वो बदलाव चाहिए जो इंपैक्ट प्ले जी हाँ जैसे 11 स्टार चौकिया की टीम है हरियाणा की टीम है लारा स्पोर्ट्स क्लब महेंद्र महलचोरे की टीम है और ये गेंद अच्छी गेंद से बहुत फिर जाकर के कट किया है मैंने अच्छे प्रदर्शन करते हैं तो एक कमी फलती है और ये गेंद से कट कर गेंदबाज के तैयार और ये गेंद अच्छी गेंद हालांकि आठ बटे स्टेप उनके सामने है और ये गेंद से कट कर दिया माया में समाप्त हुआ जब इसका फाइनल इस मैच की विजेता और जो आज के सामने दूसरे जो होगी विजेता टीम में गेंदबाज मनोज क्या गेंद इस तरह खेला है पहले प्रयास में अगर सीधा थ्रू लगता तो दूर वाले छोर से विकेट गेंद और इसने खेला है अच्छा बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पर एक रन पूरा हुआ इस एक रन की मदद से स्कोर 20 के ऊपर बहुत बढ़िया तो निश्चित जीत है अगली गेंद थी इसको खेला है बैक टू बॉलर
शिवम ने इस समय कोई मसाले लगा देता है इस टूर्नामेंट में। राउंड अभी तक नेक्स्ट कम के पास जाती है, इसके अंदर टीम में आप आ जाए तो उद्योगपति बन जाते हैं। और एक बार लीड करती है इसके अंदर वहां पर बहुत दूसरे प्रयास में गेंद को रोक पाए हैं जेट अच्छा ने ओवर द विकेट। तो दिस गेम में इसी बार बॉल बहुत बढ़िया बढ़िया लगाए रखो ये अभी आप विजय पर मोला महेंद्र तो लक्ष्य and this is a chance for Lakshya. Kristen Kovacs really brave and Polar is suffering some time, but if you can win, I think Mahir left arm. उनके सामने है बल्लेबाज लक्ष्य, पिछले ओवर में लाजवाब पारी खेली, 19 रन बनाए पिछले ओवर में। ये तो आने वाले समय बताएगा राइट आर्म ओवर द स्टिक। आज ये गेंद अच्छे गेंद से बहुत खत्म कर पाती है, बल्ले खेला फिर कोई नुकसान नहीं। जितने भी टूर्नामेंट यहां पर हुए हैं अच्छी गेंद से कट कर गया है लेकिन आज इतनी सुंदर बनावट इस मैदान की हो चुकी है। अच्छा पहले वहां पर नौजवान के खिलाड़ी के द्वारा बढ़िया फिर राइट आर्म ओवर दस्ते भर अपने अंदाज के लिए तैयार। पहुंचा है दो विकेट के नुकसान का। आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का के लिए तैयार नवासी रन। अगली गेंद बढ़िया वाले छोड़ से
अगली गेंद ऑप्शन के बाहर, ये गेंद ओवर है विकेट, अगली गेंद बैट बैट के साथ चौरानबे रन की टीम का स्कोर जीतने के लिए 133 रनों की आवश्यकता। ये पहला मुकाबला आज के दिन का पहला सेमीफाइनल और वहां से हकदार हो जाएगी ट्रॉफी की। अगली गेंद और इस समय बैट से और बैट से लगातार टकराई शिवम रन के ऊपर राइट आर्म ओवर करके अगली गेंद इसको हिट कहां से खेला एक रन के लिए दौड़ लगाई बेहतर रनिंग देखी है विकेट लक्ष्य भी एकदम अपने साथी बल्लेबाज मां चकित थे की मारती है अगली गेंद और इसको खेला है वहां पर चंद्र छिट मौजूद और अब होगा सर कि ये जो स्थिति है यहां पर वो फिर से कसौटी पे तो गेम में वापस लाती आई थिंक तो है एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग कमबैक बट जयनगर तीन बल्लेबाजों के नुकसान के बाद इन्हें दसवां ओवर दूर वाले छोर से पहली गेंद फेंकी गई और अब स्ट्राइक गेंद आ जा स्ट्राइक गेंद पर लक्ष्य और अभी अभी आए हैं मैदान के ऊपर बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर मनोज अगली गेंद ऑन साइड पर खेला क्षेत्र अक्षर में खूब प्रदर्शन तेजी से दौड़ कर पूरा किया दबाव पड़ सकता है अगली गेंद और इसको खेला है एक रन के लिए तेज दौड़ लगा ली नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर सीधा थ्रू ये सीधा थ्रू लगा काफी तेज स्ट्रोक वहां पर लगाया द्वारा आपने दादा दादी की पुण्य स्मृति में ऑन साइड पर इस समय ये गेंद लाइव बॉल का इशारा एक रन और टीम का स्कोर 99 रन आज की जो तकनीक है उसको करीब से देख पाएंगे और इसको एरिया पर इस समय एक रन पूरा क्या 100 रन पूरे मैथिली कागज में 100 रन पूरे किए जबकि इसका 10वां ओवर जारी है 4 ओवर का खेल जीतने के लिए 4 ओवर की खेल हो सकती है और अगली गेंद इसको खेला है वहां पर जब तक फील्ड किया जाता आसान एक रन की मदद से टीम का स्कोर एक रन 10.10 की औसत से रन बनते हुए 101 रन के इतिहास में ऐतिहासिक रहे तो जिस तरह से विजय धोरण ने थ्रोक फेंका लग रहा है कि वो कहना चाह रहे हो कि द्वंद कहां तक पाला जाए युद्ध कहां तक टाला जाए डिस्टर्बिंग लक्ष्य है नाइट बैट्समैन एंड नाउ ही इज रेडी टू प्ले टू फेस द बॉल वंस अगेन जीवन टू लक्ष्य प्ले विद द सॉफ्ट हैंड फॉर पॉइंट रेज रन स्ट्रेट इनटू द हैंड ऑफ फील्डर सेकंड ऑफ फाइव टू टेक अ सिंगल विद द सिंगल नाउ स्कोर मूव्स ऑन जीवन टू लक्ष्य विजय ठीक है कह रहे हैं राइट ओवर द नाउ जीवन ₹200 की घोषणा लक्ष्य के लिए की गई है अजीत भाई के द्वारा राजस्थान इज साइनिंग इन द स्काई लॉट ऑफ पीपल from the side of Metro League score now moves on needs to try something extra इसके साथ ही कहना चाहूंगा कि गिरते हैं सर सवार ही मैदान में जंग में वो क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले लक्ष्य बैटिंग ऑन लक्ष्य के 50 रन भी पूरे हो गए हैं 50 कंप्लीटेड बाय लक्ष्य और ही लक्ष्य के 50 रन हो गए ताली बजाओ
और लक्ष्य अपने प्रश्न से हमसे बताया सम्मान रहेगा लक्ष्य जो आपको आशीष भाई के द्वारा किया गया है अपना पुरस्कार ले जाए। धन्यवाद देना चाहूंगा 11 स्टार चतुर्थिया को जिन्होंने यहाँ पर पटवन के भविष्य में और ये हरियाणा की टीम जीतते हुए फाइनल में पहुंचते हुए धन्यवाद देना चाहूंगा सभी गुरुजनों का विशेष बधाइयां मुकेश और आज के मेरे जिन्होंने खेतों में 50 रन बनाए और एक जीत गए। थैंक यू भैया, थैंक यू, कल फाइनल।